पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने झारखंड प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी दी, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, भाजपा के चुनाव प्रभारी जिनके जिम्मे फिर से यहां पर कमल फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, ऐसे ओम माथुर जी, श्री राम विचार नेताम जी, श्री अरुण राव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, लोहरदगा के जिला अध्यक्ष राजमोहन राम जी, गुमला के जिलाध्यक्ष सविंद्र सिंह जी, लोहरदगा के प्रत्याशी भाई सुखदेव भगत जी, गुमला के प्रत्याशी श्री मिश्री कुजूर जी, विशुनपुर के प्रत्याशी श्री अशोक उराव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सुदर्शन भगत जी, राज्यसभा के सांसद समीर उराव जी, श्री चंद्र प्रजापति जी और ओम प्रकाश सिंह जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं आप सभी को मेरा जोहार। मित्रों, आज मैं लोहरदगा में चुनाव के पहले दिन ही आम सभा करने के लिए आया हूं। मुझे 2014 का भी चुनाव याद है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की शुरुआत इसी लोहरदगा से की थी और यहां पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और आज फिर एक बार 2019 के चुनाव में मैं लोहरदगा आया हूं, तब सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वीर बुद्धू भगत, वीर चांद भैरव, वीर सिद्धू कानू, वीर तेलंगा खड़िया, वीर जत्रा टाना, स्वर्गस्थ कार्तिक उराव, पंडित आयता उराव, ये सारे महानुभावों को हृदय से इनकी स्मृति को श्रद्धांजलि कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यही भूमि है जहां सन 57 में शहीद पांडे गणपत राय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र को अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। 71 की लड़ाई में परमवीर चक्र विजेता आल्बर्ट एक्का वो भी यहां के थे और शहीद हुए गुमला के वीर विजय सोरेन को भी मैं आज करना चाहता हूं और शहीद नायमन कुजूर को भी मेरा सत सत प्रणाम करना चाहता हूं। टाना भगत की स्मृति को याद करते हुए मैं आप सबको ये कहने के लिए आया हूं कि अगले चुनाव में आप फिर एक बार कमल फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी जी और रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड को देश का सर्वप्रथम विकसित राज्य बनाने का काम करेगी। इस बात को मैं विश्वास के साथ आपके सामने कहते हैं। मित्रों, सालों तक झारखंड की जनता ने झारखंड की लड़ाई लड़ी, एक क्षेत्र को अपना राज्य मिले, अपना शासन मिले, अपने विकास का अधिकार मिले, इसके लिए यहां पर लंबी लड़ाई, सैकड़ों युवा शहीद हुए, मगर झारखंड को राज्य तब तक नहीं मिला जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस में जिस दिन सत्ता गई
और भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी। अटल जी ने झारखंड को पूर्ण राज्य बनाने का फैसला करकर झारखंड के विकास का रास्ता प्रशस्त किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि झारखंड के हित में नौ निहाल शहीद हुए, आंदोलन करना पड़ा और आप क्यों टच के मस्त नहीं हुए? अगर अटल जी की सरकार झारखंड राज्य दे सकती थी तो कांग्रेस भी। और मैं भाई हेमंत सोरेन को भी कहने आया, किसके साथ बैठे हो जिन्होंने झारखंड के युवाओं पर गोलियां चलाई, उनके साथ बैठकर आज आप सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए आ गए हो? मित्रों, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे जिसमें झारखंड छत्तीसगढ़ को राज्य देने का काम किया, उत्तराखंड को राज्य देने का काम किया और नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है जिन्होंने झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, अनेक साल तक यह स्थिर सरकार नहीं बनी और इसके कारण कोई विकास के काम हो ही नहीं सके। पहली बार 2014 में ये महान झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और हमने एक गरीब मजदूर के बेटे को, गरीब मजदूर को, रघुवर दास को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और आज झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। मित्रों, ये लोहर दादा की धरती धातु निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध। यहां पर जो धातु निर्मित होती है उस पर जंग नहीं लगती है। मैं कहने आया हूं एक ऐसी सरकार बना दो जिसको 5 साल जंग न लगे। ये विकास पर जो जंग लगा है वो उखाड़ फेंकने का काम रघुवर दास के नेतृत्व में अगले 5 साल में होने वाला है। मित्रों, अभी अभी चुनाव में आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 12 सीटें दी और आज फिर से एक बार हम झारखंड की जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं आपके आशीर्वाद। एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बना दीजिए, बचे कुचे जो काम है वो भी 5 साल के अंदर हम समाप्त। ये लोहरदगा जिले में क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कर्मस्थली पर उनका भव्य स्मारक बनाने का काम किया। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 309 करोड़ रुपए की लागत से 750 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। न्यू 90% अनुदान पर 1600 से ज्यादा पशुओं का वितरण गरीबों में किया गया। 32 स्वास्थ्य उपकेंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही क्षेत्र के अंदर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां हजारों हजारों आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग आज अपने स्वास्थ्य का लाभ बढ़ा रहे हैं। क्षेत्र के अंदर 62 सरना मस्ता स्थलों का सौंदर्यीकरण करा गया। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लागत से पुलिया बनाने का काम, 19 जगह पर पुलिया बनाने का काम किया गया। 4 साल में लोहरदगा के अंदर ही स्वास्थ्य की पूरी डिजाइन करकर 4 एम्बुलेंस को कार्यरत करने का काम कर दिया गया। धूमकटिया भवन का निर्माण 2 करोड़ की लागत से करने का काम किया। 100% गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से गरीब थी। गांव में घर नहीं था, घर था तो शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, गैस का सिलेंडर नहीं था, स्वास्थ्य योजना का कार्ड नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े राज्य माने जाने वाले इस झारखंड को बदलने का काम एक पांच साल के अंदर लगभग मुद्रा बैंक योजना के तहत 31 लाख युवाओं को 11,000 करोड़ रुपया की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जनधन योजना के तहत 1,26,00,000 गरीबों के खाते खोलने का काम किया। अब बिचौलिए नहीं रहे, आपकी योजना का पैसा सीधा आपके पास पहुंच रहा है। लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 31 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, झारखंड की गरीब माता की झोपड़ी को धुएं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 4.5 लाख 5 लाख घरों का निर्माण करने का काम किया, ग्रामीण 5 लाख परिवारों को घर देने का काम किया, 35 लाख घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम किया और 2300 से ज्यादा पंचायतों को भारत नेट के साथ जुड़ने का काम किया और मुद्रा योजना के तहत 12 लाख परिवार आज 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, पहली बार गरीब बेटा अपने बाप का इलाज करा पा रहा है, गरीब माँ अपने बेटे का इलाज करा। ये स्थिति 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए, आदिजाति समाज के लिए सिर्फ वोट प्राप्त करने का काम किया, उनके विकास के लिए किसी ने इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय की मांग थी, मगर कांग्रेस पार्टी कभी अलग मंत्रालय नहीं देती थी। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, करोड़ों आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने किया। मित्रों, और आज अरबों खरबों की योजनाएं इसमें आदिजाति के लिए बन रही है। डीएमएफ के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भेजा, हर ब्लॉक के अंदर एक लव्य स्कूल बनाने की शुरुआत की, लगभग 438 एक लव्य स्कूल बनी और आज वहां आदिवासी बच्चे पढ़ रहे। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट देश के आदिवासियों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया और 50 से ज्यादा वन उपजों को समर्थन मूल्य देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, 200 करोड़ से ज्यादा लागत से देश भर में जो आदिवासी वीर आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, उनका म्यूजियम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि रघुवर जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। आज नक्सलवाद को खत्म करने का यश अगर कोई सरकार को जाता है तो रघुवर दास की सरकार को जाता है। रघुवर जी ने नक्सलवाद को खत्म कर हर घर के अंदर विकास पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज मैं लोहरदगा में आया हूं तब आप सबको आश्वस्त करने आया हूं कि यहां की सामाजिक रचना में पिछड़ा समाज का बड़ा महत्व है और जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी
अपने घोषणा पत्र के अंदर लेकर आने वाली है कि सरकार बनाने के बाद पहला काम पिछड़ा समाज को आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक कमिटी बनाकर वो कमिटी पिछड़ा समाज के लोगों को न्याय देने की दिशा में आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है मगर गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने, रघुवर जी ने 5 साल के अंदर गरीबी के खिलाफ लड़ाई करी है और सिर्फ गरीबी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस की सरकारें थी, यूपीए की सरकारें थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे, आतंकवाद करके यहां से भाग जाते थे, कोई कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए और 2 बार हमला किया, उरी में भी किया और दूसरी बार सीआरपीएफ के 40 जवानों को पुलवामा के अंदर शहीद कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। पहले जब हमले होते थे प्रधानमंत्री के मुंह से आज नहीं होते थे, इस बार हमले हुए, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, दूसरी बार एयर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करकर मोदी जी ने एक कठोर मैसेज दुनिया भर के अंदर भेजा कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, भारत के जवान की जान हमें अपने जान से ज्यादा प्यारी है, अगर भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। और आज देश की सीमाएं सुरक्षित है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसके लिए रक्षा नीति ठीक से बना कर बैठे। मित्रों, आप सभी ने मोदी जी को फिर से बहुमत दिया, 14 में से 12 सीटें दी और जैसे ही शपथ हुई पहला सत्र चालू हुआ, इस देश में से 70 साल से लोग चाहते थे कि धारा 370 चली जाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? आप सब की बात मानते हुए 5 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 और 35 ए को समाप्त करने का काम करकर काश्मीर के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इतने सालों से वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी धारा 370 को छूती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की परवाह करे बगैर इसको उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, झारखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, यहां के गरीब का विकास, यहां के पिछड़े समाज का विकास, यहां के दलित का विकास और यहां के आदिवासी का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और ये संकल्प पूरा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। हमारे तीनों प्रत्याशी आ गया हो गया, हमारे तीनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने की अपील करके आया हूं। मुझे बताओ आप जिताओगे? पक्का जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? रघुवर दास की सरकार बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाओगे? मित्रों, मेरा हाथ से अनुरोध, इतने साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के लागे कुछ नहीं किया, जातिवाद के लगे कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। मैं आपको अपील करने आया हूं मित्रों कि कमल के निशान पर बटन को जरूर दबाइए मगर इतने गुस्से के साथ दबाइएगा कि बटन लोहरदगा में दबे और इटाली के अंदर इसका करंट लगे, इतने जोर से बटन। मुझे बताओ मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, प्रचंड विजय के